तो इधर लिखना था, लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। आपके पास लास्ट लेक्चर में डायग्राम तो बना हुआ है ही, तो मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ आज लेक्चर एक्सप्लेन करने के लिए, आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन वाले में क्या होता है, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है, पीरियोडिकली पैटर्न जो होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, वो क्या करती है, रिपीट करती है। जैसे ये बड़ा वाला स्फेयर एक ले लिया हमने, और जितना डिस्टेंस पे लिया उतने ही डिस्टेंस पे हमने इधर भी एक स्फीयर ले लिया है। ठीक है, और बीच में मान लिए थोड़ा अलग तरह का पार्टिकल, लेकिन जितना डिस्टेंस में मैंने यहाँ रखा है उतने ही डिस्टेंस में मैं इधर ले रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं इधर ले लेता हूँ, उधर जगह मैंने क्योंकि कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज़ होता है, क्रिस्टलाइन वाला, क्योंकि इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर और पीरियोडिक पैटर्न होता है, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। इस एमॉर्फस वाले में क्या है, जैसे तैसे आपको कर देना है। अरेंजमेंट कैसा होता है, रैंडम होता है। तो एक मैंने यहाँ रखा है ना, एक मान लो जितना डिस्टेंस पे यहाँ रखा है बड़ा वाला स्फीयर, उससे थोड़ा ज़्यादा पे रख लेता हूँ। बीच में यहाँ छोटा वाला रख रहा था, इस बार मैंने थोड़ा सा एग्जैक्ट साइड में टिल्ट करके रख दिया है या यहाँ रख दिया है, जैसे तैसे आपको ले लेना है, कोई रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करना है, जैसे तैसे आप ले लीजिए, डायग्राम ही तो बनाना है, जैसे तैसे आप ले लीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, अब इसमें जो क्रिस्टलाइन वाले सॉलिड होते हैं वो हमारा आई थिंक 6 या 7 पॉइंट हो गया था, कितने पॉइंट हो गए थे, तो आठवां पॉइंट लिखना है, जो क्रिस्टलाइन वाला होता है वह एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर क्यों होता है मैं एक्सप्लेन करूँगा, और इधर 8 वाला पॉइंट लिखना है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और उधर क्या लिखना है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ये सब चीज़ क्या होता है, आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी क्या होता है। ठीक बच्चों, कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो पार्टिकल के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के अरेंजमेंट पर। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहाँ से मैंने इसको कट किया है, कट किया और कट किया, ये पहली लेयर है, ऐसी दूसरी लेयर होगी इसके ऊपर ना, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी, और मैंने यहाँ से कट कर लिया। ठीक, और इधर वाला पोर्शन कट करके यहाँ मान लीजिए टेबल है हमारे पास, उस पर मैंने रख दिया। सो टॉप पे क्या आपको दिखेगा, बड़ा वाला स्फीयर दिखेगा कि नहीं, अब उस पर टॉप पे बड़ा वाला स्फीयर दिखेगा। ओके ठीक है, अब उस पर मान लीजिए लाइट इंसिडेंट करता है फोटोन, तो आपने थोड़ा बहुत सुना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो जहाँ पे भी लाइट फॉल करे बड़े वाले ही स्फीयर से वो लाइट इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि टॉप सरफेस पे क्या दिख रहा है, बड़ा वाला स्फीयर, यस और नो। तो हर जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एक्सपीरियंस होएगा, सेम। अच्छा, लेकिन अगर मैं ऐसे कट किया होता तो सरफेस पे फिर क्या दिखता, छोटा वाला पार्टिकल। मान लो मैं यहाँ से कट किया होता और ये पोर्शन मैं टेबल पे रख देता, अब लाइट इंसिडेंट कराता, तो अब क्या दिखता, फोटोन किससे इंटरेक्ट करता, छोटी वाली पार्टिकल से। तो इस बार तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होना चाहिए, पिछली बार अलग और इस बार अलग, बहुत अच्छी बात। और अगर मैं ऐसे कट करता तो एक छोटा भी एक बड़ा भी, एक छोटा भी एक बड़ा भी, और कट करके इसे रख लेता हूँ सैंपल, तो फिर लाइट जो है बड़ी छोटी दोनों तरह से इंटरेक्ट कर रही होगी, है ना। तो तीनों एक्सपेरिमेंट में सेम ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा कि अलग अलग,
अलग अलग, क्योंकि व्यवस्था जो इसकी है ये वैसे तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, लेकिन जिस हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करना चाहते हैं लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो इस बात पे डिपेंड ही कर रहा है कि किस चीज़ से वो इंटरेक्ट कर रहा है। अब वो इंटरेक्ट किससे कर रहा है वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि व्यवस्था कैसे है, इसकी अरेंजमेंट कैसे है। सो यू कैन से कि डिफरेंट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया। क्या हो गया? अगर मैं इस डायरेक्शन को ए बी बोल देता हूँ सपोज, और इस डायरेक्शन को मान लिए मैं सी डी बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आ गया। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आ जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत सधा हुआ लाइन बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि गलत सही, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट आ जाए क्या चीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, कोई सा या कोई खास प्रकार की फिजिकल प्रॉपर्टी, आंसर है कोई खास प्रकार की। वो कौन सी प्रकार की? वह प्रॉपर्टी जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सर बहुत सारी बात आपने बोल दी, ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है? डिटेल में तो फिजिक्स में आता ही है, कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे अभी बारहवीं में ही। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो होता है मटीरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, हाँ वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो अगर आप ऐसे कट किए हैं तो मिक्सिंग है ना, बड़ी वाली छोटी वाली, ऐसे कट करें तो बड़े वाले हैं, तो अलग नेचर हो गया ना भाइयों। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट। सो ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हो, कौन सी प्रॉपर्टी जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है? चार पांच ही याद रखना है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इवन रेजिस्टिविटी भी। क्या है रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी, है ना। और अगर ज्यादा मैं बात करूं तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, देखिए ध्यान से बच्चों, मैं इसे यहां से काट देता हूं और इस फ्लोर पे बिछा देता हूं, अब मैं वॉक करता हूं तो मेरे जूते के नीचे क्या आएगा, बड़ा वाला स्फीयर, बोलो भाइयों। जब मैं ऐसे काट देता हूं तो और उसके बाद फ्लोर पे बिछा दो, मेरे जूते के नीचे क्या आएगा, बड़कू और छोटकू, है कि नहीं। तो सेम रहेगा कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों में, कि अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डिफरेंट है। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे बाद में तो याद कर लेते हैं ना, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पर निर्भर करती है, वह वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट देखने को हमको मिलती है, उसे हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपी, ठीक। सभी क्रिस्टलाइन के अंदर चूंकि अरेंजमेंट तो पीरियोडिक होगा, सो अगर आप सिर्फ बड़े वाले स्फीयर को देखोगे तो आपको लगेगा कि पीरियोडिक है, छोटे वाले को देखोगे तो लगेगा कि पीरियोडिक है, वेरी गुड। लेकिन जब कट करोगे आप तो आपकी मर्जी है ना, आप ऐसे कट कर सकते हो, आप ऐसे कट कर सकते हो, सो सरफेस पे अलग अलग पार्टिकल फिर दिखने लगेगा। तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अभी डेफिनेशन लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। एक बच्चा आया अभी क्लास में और कभी बदमाशी करता है, कभी खूब पढ़ता है, कभी जवाब हर सवाल का जवाब देता है, कभी जवाब ही नहीं देता, कभी चुपचाप रहता है। तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं या उसके पेरेंट्स मेरे से पूछेंगे कि सर बताइए हमारा बचवा कैसा कर रहा है, तो हम खराब बात बता दें कि अच्छा बताएं कि ओवरऑल एवरेज बात बताना चाहिए मुझे, आप बताइए क्या बताना चाहिए, एवरेज, वेरी गुड। तुम लोग कम से कम ऑनेस्ट तो हो, ठीक है ना। देखिए पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इसी कहानी का यह यूज होगा जो मैंने अभी आपसे सवाल पूछा। ये व्यवस्था क्या है, जैसे तैसे पहली लेयर में जैसे तैसे, इस ये कितनी पहली लेयर है, इसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, इसके ऊपर तीसरी लेयर होगी, इसके ऊपर चौथी लेयर होगी। के बच्चे आ जाए, क्या पता सर क्या कह रहे हो, लेयर पेयर हमको समझ में आ रहा है। क्या आप अपनी आंखों से एक पार्टिकल को देख सकते हैं, बोलिए, नहीं देख सकते ना, अच्छा। क्या आपको ये कागज का एक पेज दिखाई दे रहा है,
अच्छा, इसकी थिकनेस भी देख सकते हो। अच्छा, तो इसकी जितनी थिकनेस है, थिकनेस क्या उतना ही मोटा एटम का डायमीटर है या उससे भी छोटा है? छोटा है, सही बोले हो, क्योंकि एटम तो आंख से दिखता नहीं, थिकनेस तो दिख रहा है, इसका मतलब इस थिकनेस से भी छोटा है। यानी अगर मैं इसे, ये भी तो सॉलिड है ना कागज, यानी इस कागज को आप समझो, इस कागज के अंदर एटम के ही कई लेयर्स होंगे, तब जाके इतना थिक आया होगा, तब जाके इतना सही है कि नहीं? Yes, तो थोड़ी देर के लिए, चूंकि एटम आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको सब चीज दिखे, सब चीज दिखे, तो मान लेते हैं कि ये पूरा ही एक लेयर है। भाई इतना मोटा तो नहीं होगा लेयर, क्योंकि आंख से एक एटम दिखेगा नहीं, तो आंख से एक लेयर भी नहीं दिखेगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं समझ में आए। तो लेट अस से हाइपोथेटिकली ये एक लेयर है, पहली लेयर है ना, वैसी हमारे पास दूसरी लेयर है। कैसी लेयर है? दूसरी लेयर। पहली लेयर में भी व्यवस्था कैसे है? जैसे तैसे। दूसरी में भी कैसे? जैसे तैसे। तीसरी रखा, तीसरी में कैसे? जैसे तैसे। तो भैया मैं ऐसे लाइट इस पे फॉल कराऊं, फोटोन स्ट्राइक करे, चाहे ऐसे करे, मैं इसको ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, कैसे भी काटूं, हर तरफ जैसे तैसे है कि रेगुलर है? जब हर तरफ जैसे तैसे हो, देन वी विल टॉक अबाउट एवरेज। वी मस्ट टॉक अबाउट एवरेज हमेशा ही जीवन में। जब जैसे तैसे व्यवस्था फैली है तो हम कैसी बात करते हैं? एवरेज। तो हम ये बोलेंगे कि जब पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो मैं चाहे ऐसे जाऊं, चाहे ऐसे जाऊं, भाई ऐसे जा रहा हूं तब भी बरकू छोट को मिल रहा है, ऐसे भी जाऊंगा जब भी बरकू छोट को मिलेगा, बहुत सारा मोटा है अंदर खाने जाऊंगा जब भी बरकू छोट को मिलेगा, हाँ या ना? ऐसा तो हो सकता है एकाध का अंतर कि कहीं बड़का एकाध ज्यादा मिल गया, एकाध कम मिल गया, ऐसा तो हो सकता है। मैंने क्या बोला, जब रैंडम व्यवस्था होती है, वी मस्ट टॉक अबाउट एवरेज। क्या चीज? एवरेज। सो ऑन एन एवरेज हर डायरेक्शन में व्यवस्था चुकी क्या मिलेगी? रैंडम। सो ऑन एन एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर डायरेक्शन में क्या मिलेगी? सेम। इसलिए हम बोलेंगे, चूंकि इसमें सभी डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या होती है? रैंडम। सो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर भी व्यवस्था तो हर डायरेक्शन में क्या है? रैंडम ही है, डिसऑर्डर्ड ही है। तो हर डायरेक्शन में ऑन एन एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको सेम ही दिखाई देगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सेम ही दिखाई देगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम ही दिखाई देगा। सो इन जनरल हम कहेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में भी प्रॉपर्टीज सेम दिखाई देगा। आइसोमर का नाम सुना है क्या? सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, बट कम से कम किसी तरीके से वो डिफरेंट होते, आइदर इन स्ट्रक्चर के फॉर्म में, चाहे आगे पढ़ते स्टीरियो आइसोमर्स, ओरिएंटेशन के फॉर्म में, है ना? तो इस तरह से आइसोट्रॉपिक का मतलब है डायरेक्शन तो हम डिफरेंट जा रहे हैं, बट प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में क्या मिल रही है? सेम। इसमें डायरेक्शन तो अपन डिफरेंट ले रहे हैं, बट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट मिल रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनिसोट्रॉपिक। क्लियर है पॉइंट? दोनों में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, बट सभी डायरेक्शन में इसमें प्रॉपर्टीज क्या मिल जाएगी? सेम, क्योंकि हर डायरेक्शन में व्यवस्था क्या है? जैसे तैसे। कैसा है? जैसे तैसे। और इसमें है बरकू, इसमें है बरकू छोटकू, ऐसे आए तो छोटू छोटू, है ना जी? तो पॉइंट अब हम लोग लिख लेते हैं, यहां तक आगे समझ में? तो अभी ऐसा करता हूँ, इसका एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर अलग से हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, व्हाट डू मीन बाई एनिसोट्रॉपी, है ना, एंड आइसोट्रॉपी। तो फिर उसमें कैसे लिखा जाता है एग्जाम में, वो मैं बता दूंगा, ठीक? अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। पहले वो सारा जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात बोली ना, अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए बच्चों, मेटल जो होते हैं हमारा कैसा होता है? क्रिस्टलाइन। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सब हो गया कैसा? मेटालिक सब्सटेंस। और नॉन मेटालिक में जैसे ऑक्सीजन, अब ये मत समझना कि गैस, अभी कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं? सॉलिड। तो हम बात ही कर रहे हैं उस टेम्परेचर प्रेशर पे जब ये सॉलिड स्टेट में है, है ना? इसलिए मैंने जान के ब्रैकेट में सॉलिड लिख दिया, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। वैसे नाइट्रोजन सॉलिड, फास्फोरस सॉलिड, हीलियम, नियॉन, आर्गन सॉलिड,
कार्बन डाइसल्फाइड सॉलिड आइस हो गया, ठीक है। एंड आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl सॉलिड, डबल सॉल्ट भी ले सकते हैं, पोटास एलम, सुना है क्या? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O सॉलिड, ठीक है। मतलब इससे मतलब नहीं, दो दो आयनिक कंपाउंड के कॉम्बिनेशन होते हैं ना, डबल सॉल्ट, सुना है क्या? डबल सॉल्ट दो सॉल्ट का मिक्सचर है, ठीक है, पोटास एलम। ये सब कैसा भी आयनिक कंपाउंड हो, सिंगल सॉल्ट वाले या डबल सॉल्ट वाले, सारे के सारे क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होंगे? डायमंड क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ग्रेफाइट क्या है बेटा? बोलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक। आपने इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट का नाम सुना है, क्या होता है? बोरोन नाइट्राइड को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, जानते हो? नहीं जानते हो। सिलिकॉन कार्बाइड, आर्टिफिशियल डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सुना है क्या नाम? नहीं सुने हो, कोई बात नहीं, सुन लो। सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। अब एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड। इस वाले का एग्जाम्पल देख रहे हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द पॉलीमर आर एमोर्फस सॉलिड, मोस्ट ऑफ द पॉलीमर्स आर एमोर्फस सॉलिड, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो रैंडम वे में होती है। कैसे होती है? रैंडम। अब देखो, ट्वेल्थ में जो हमारा सेकेंड वाली बुक है, दो बुक है ना, सेकेंड का जो सबसे लास्ट में चैप्टर है उसमें पॉलीमर अलग से चैप्टर, तभी तो एग्जांपल आपको पॉलीमर के नाम अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा बहुत याद करने पड़ सकते हैं, बट ट्वेल्थ में तो अलग से पॉलीमर पूरा डेडिकेटेड चैप्टर, ठीक है। तो मैं एग्जांपल कोट करता हूँ पॉलीमर के, जैसे किसी के भी नाम के आगे अगर पॉली लग गया तब तो पॉलीमर है ही, जैसे पॉलीथीन, तो इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं, नाम से ही पता चल रहा है कि ये पॉलीमर है ना बेटा। पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरिन सही है, और नायलॉन का कपड़ा होता है, नायलॉन दो कई प्रकार के होते हैं, वैसे नायलॉन 6 लिखा होता है, नायलॉन एक 6.6 भी होता है, आप तो सीधे समझ लो नायलॉन दिख जाए ना तो पॉलीमर है। टेरी कॉटन सुना है क्या? टेराइलिन, ये सब क्या है? पॉलीमर ही है। देखिए, जिसके नाम के आगे पॉली नहीं लगा है वो भी तो पॉलीमर हो सकता है, तो वो हमें पहले से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ये अलग से चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इस वाले चैप्टर में भी एग्जाम्पल कोट किया हुआ है बुक में, ठीक है। तो आप कैसे कर पाओगे, इसलिए मैं जितना जरूरत है उतना सारा लिख रहा हूँ, ठीक। टेराइलिन, ठीक है, टेफ्लॉन, सेल्यूलोज, ये तो सब जानते होंगे, स्टार्च, हाँ प्रोटीन, ठीक है। जो ग्लास होता है ना, ग्लास लिखा हो चाहे क्वार्टज ग्लास लिखा हो, ये होते हैं सिलिकेट का बना हुआ होता है, सिलिकेट, ये यूनिट बार बार रिपीट होने से बनता है, इसमें लेकिन रैंडमाइज्ड होता है, क्या होता है? रैंडमाइज्ड। अगर रेगुलर होता है यही वाला यूनिट, मतलब पीरियोडिकली, कैसा? तो फिर उसका नाम होता है सिंपल क्वार्टज, क्या नाम होता है? क्वार्टज, आगे ग्लास व्लास नहीं लेगा, रहेगा, इसी का पॉलीमर होता है वो। इसीलिए यहाँ मैंने शब्द बहुत ख्याल करके लिखा है मोस्ट ऑफ द पॉलीमर, क्योंकि यह भी पॉलीमेरिक फॉर्म ही होता है, बट ये ऑर्डर्ड होता है, क्या होता है? इसलिए मैंने ऐसा नहीं लिखा ऑल पॉलीमर,
ऐसा नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। बट हाँ, 99.99% पॉलीमर जो होंगे आपके कैसे होंगे, एमोर्फस ही होंगे। तो आप तो पॉलीमर को बाय डिफॉल्ट एमोर्फस ही मन में ध्यान रखना, जो इक्का दुक्का क्रिस्टलाइन वाला है उसे खाली अलग से ध्यान रख लेना, ठीक है। जस्ट क्वार्टज लिखा होगा तो क्या रहेगा, क्रिस्टलाइन। क्वार्टज के साथ ग्लास शब्द आ गया ना, तो एमोर्फस ही है। सिंपली ग्लास लिखा हो चाहे क्वार्टज ग्लास लिखा हो, इसमें भी इसी यूनिट से बना होता है लेकिन वो रैंडम होता है, ठीक है। सेलोफेन, अच्छा तुम में से किसी ने इसका नाम सुना है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो देखो होता है सेल्युलोज एसीटेट और सेल्युलोज नाइट्रेट होता है, सेल्युलोज और एसिटिक एनहाइड्राइड से बना होता है। अब से याद रख लो, सेलुलोज आ गया कि नहीं आ गया, उसके बाद कोई सा चेला चपाटा लगा दो है तो पॉलीमर ही, उसी से डेराइव है ना। तो याद रखने के तरीके समझ लो, सेलुलोज नाइट्रेट ये सब हमारा क्या है, पॉलीमर है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में यूज होता है, किसमें यूज होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में दोनों चीजें यूज होती है। नेक्स्ट वाला चैप्टर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही आने वाला है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर, मतलब इसका यूज आएगा, ठीक है जी। फिर से याद करते हैं एग्जांपल, मेटल कैसा होगा, क्रिस्टलाइन। नॉन मेटल कैसा होगा, क्रिस्टलाइन। आयनिक कंपाउंड कैसा होगा, क्रिस्टलाइन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो दोस्तों, जितने भी ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, पॉलीमर को छोड़ के वो सारे क्या होंगे, क्रिस्टलाइन। अगर मैं आपसे बोल दूं ग्लूकोज क्या है, क्रिस्टलाइन। ग्लूकोज तो सिंगल मॉलिक्यूल है, सेलुलोज ना होता है पॉलीमर, चाहे स्टार्च किससे बना होता है, ग्लूकोज से, ठीक। ग्लूकोज तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है बच्चों, मोनोमर होता है। ये क्या होते हैं मोनोमर, ऐसी चीज जिसके बार बार रिपीट होने से क्या बन जाता है, पॉलीमर, है ना। उस छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। मतलब ग्लूकोज से मिलके क्या बना होता है, सेलुलोज। ग्लूकोज से मिलके क्या बना होता है, स्टार्च, है ना। वैसे प्रोटीन तो हमारा क्या है, पॉलीमर है, लेकिन प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड तो हम यहां लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, किसमें लिखेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसमें लिखेंगे, क्रिस्टलाइन। जितने भी आयनिक कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सिर्फ कौन सा छोड़ करके, पॉलीमर। पॉलीमर में एकाध एक्सेप्शन है, वो हमें ध्यान रखना है, जैसे क्वार्टज, एक ही वैसे ध्यान रखना है आपको क्वार्टज, ठीक है। यहां तक समझ में आया, इसमें आएगा सुक्रोज और फ्रक्टोज होते हैं डाइसैकेराइड। क्या होते हैं, सुक्रोज फ्रक्टोज माल्टोज, ये पॉलीसैकेराइड नहीं है। ये सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, जानते हो तुम में से कोई, बाय वाला बच्चा तो जरूर जानता होता है, कितने बच्चे जानते हैं, हाथ खड़े करें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। सुक्रोज किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, फ्रक्टोज तो खुद है, हो ही गया। माल्टोज किससे मिलके बना होता है, चलो ये बच्चा बताना चाहता है, धैर्य बताओ बेटा। जो माल्टोज होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा, जो माल्टोज होता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों यूनिट अल्फा डी होते हैं। हाँ, लेकिन एक होता है लैक्टोज, क्या होता है, वो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज से मिलके बना होता है। खैर, ये चीज आएगा बायो मॉलिक्यूल्स में, ज्यादा बता दूंगा तो बच्चे कहेंगे सर ये तो मैं पागल हो गया हूँ, है कि नहीं, ये तो मैं आगे आएगा अभी, लेकिन इतना समझो ये पॉलीमर तो नहीं है, क्या चीज नहीं है, हाँ, लैक्टोज। लैक्टोज का को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, जानते हैं क्या आप, अरे लैक्टोज होता है ना मिल्क में, तो लैक्टोज वाला में है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज से मिलके बना है, ठीक है।
अभी उतना ही पढ़ेंगे जितना कि इस चैप्टर में हमें जरूरत है, क्योंकि वो चीज़ तो आगे के चैप्टर में पढ़ना ही है ना। अब चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं। ठीक है, हाउ मैनी गिवेन सब्सटेंस आर एमॉर्फस सॉलिड, कितना है सब्सटेंस जो दिया हुआ है उसमें से एमॉर्फस सॉलिड कितने हैं। ये पूरा एक कंपाउंड होता है नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब देखो मैंने नहीं भी लिखा है उधर, है ना, एक दो नया भी लिख रहा हूँ, पर टेक्निक क्या है, हर दिख गया नायलॉन पॉलीमर ही है वो, क्या है, हाँ अभी टेक्निक बता रहा हूँ ना धीरे धीरे कि कम रटना पड़े आपको। ठीक है, एक होता है ब्यूना एस, ब्यूना एस होता है 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से मिलके बना होता है, ये पॉलीमर होता है, क्या होता है, पॉलीमर। एक खाली हिंट दे रहा हूँ, बाकी अब बताओ कितने हैं इसमें एमॉर्फस सॉलिड। ये वाला हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन, ये क्या है, क्रिस्टलाइन, जैसे बोरोन नाइट्राइड एल्युमिनियम नाइट्राइड, बैगन के नीचे आलू, बैगन का आलू गाजर इन थैला, एल्युमिनियम नाइट्रेट जैसे बोरोन नाइट्राइड, तो ये भी क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन पॉलीमर। देखो ग्रेफाइट आयोडीन सॉलिड, O2 सॉलिड, ड्राई आइस क्या होता है, CO2 सॉलिड, CO2 सॉलिड होता है ड्राई आइस, नाइलॉन आ गया तो पॉलीमर, ब्यूना एस भी पॉलीमर। तो कितने आंसर हो गए इसके, दो आंसर हो गए, सही है। क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन एनिसोट्रॉपी, डिफाइन करना है एनिसोट्रॉपी, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों। ठीक, तो ऐसे लिखेगा, व्हेन सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन गिव्स डिफरेंट वैल्यू देन इट इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक। नेचर एज फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसके बाद कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हो आप, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन
ETC, ये सारी प्रॉपर्टी जब हम मेजर करते हैं किस केस में, क्रिस्टलाइन के केस में, तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आती है। लेकिन ये सब चीज़ अगर एमॉर्फस में मेजर करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में तो सेम आ जाती है। तो एग्जाम्पल तो यही रहेगा दोनों में, एमॉर्फस में भी और क्रिस्टलाइन में भी। फर्क क्या है कि एमॉर्फस के केस में हम डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करने पर भी इनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ जाता है, और क्रिस्टलाइन के केस में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आ जाता है। तो हम ऐसे करके लिखते हैं रिफ्रैक्ट, ये सारा लिख लिया ना, ETC when measured in different direction in crystalline solid their value यानी magnitude है ना, their magnitude लिख देते हैं आर डिफरेंट। मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है बेटा, डिफरेंट आ जाता है। क्रिस्टलाइन के केस में अलग डायरेक्शन में अलग आ जाता है, क्रिस्टलाइन के केस में अलग डायरेक्शन में अलग आ जाता है। तभी तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को, हम क्या ये बोलना सही होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, क्या ये बात बोलना सही है क्रिस्टलाइन के लिए? तो यस, एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, सही है ना। उसी तरह से डिफाइन करके लाना, ये होमवर्क है, डिफाइन आइसोट्रॉपी। क्योंकि बारहवीं में बोर्ड भी इंपॉर्टेंट है तो मैं उस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ कि आप स्कूल के एग्जाम में भी अच्छा लिख सकते हो। तो आपको देखो यही वाला आंसर लिखना है, खाली कहाँ चेंज करना है, व्हेन सम ऑफ द फिजिकल बॉडी मेजर इन डिफरेंट डायरेक्शन गिव्स डिफरेंट के जगह क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। फिर यही एग्जांपल कोट करना है, इस ETC के बाद व्हेन करके सेंटेंस को लिंक कर देना है, मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एमॉर्फस सॉलिड, amorphous solid, their magnitudes are same. समझ में आ गया, तो लिख लोगे ना ये चीज? यहाँ लिखाएंगे तो टाइम खराब होगा इतना तो कर सकते हो खुद से, आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज होता है एनीलिंग, ये भी आ जाता है एग्जाम में। एनीलिंग क्या होता है, व्हाट इज एनीलिंग? ANEALING, ANN है, ANEALING। मान लीजिए क्लास में व्यवस्था जैसे तैसे हो, कैसे हो, जैसे तैसे, कहीं बच्चे बहुत ज्यादा बैठे हो यानी वहां डेंसिटी अधिक हो, और कहीं बच्चे दूर दूर बैठे हो वहां डेंसिटी कम हो, ठीक। सारे रजनीकांत के रोबोट हैं मान लीजिए, तो सब शकल से कैसे दिख रहे हैं, एक जैसे, ठीक है। और जिधर बच्चे ज्यादा थे उधर आ गया टाइगर, क्या आ गया, टाइगर। क्या करेंगे बच्चे, किधर भागेंगे, जिधर बच्चे कम बैठे थे, है ना बेटा, अरे बोलो भाइयों। तो हो सकता है फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑर्डर्ड जैसा अरेंजमेंट दिखने लग जाए, क्या पता, अरे बोलो भैया। देखिए, जब एमॉर्फस सॉलिड होता है तो उसके अंदर व्यवस्था कैसी है, जैसे तैसे। जब हम उसको स्लोली स्लोली गर्म करते हैं, क्या करते हैं, हीट, गर्म करेंगे, तो एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल कहीं ज्यादा कहीं कम है, तो जिधर ज्यादा होगा उधर से फ्लो करेगा अंदर अंदर, और कहां जाएगा, जिधर कम होगा, बोलिए। और ये प्रक्रिया हम कई बार करेंगे, दसियों बार, स्लोली स्लोली गर्म करेंगे तो जिधर ज्यादा होगा उधर से कम जाएगा, फिर धीरे धीरे कूल कर देंगे, ठीक। मान लीजिए कांच का दीवार हो, तो विंडो में है ना ग्लास लगा होता है ना कांच की दीवार, तो दिन में धूप होता है तो धूप से वो गर्म होता है ना जी,
तो जहां ज्यादा होगा पार्टिकल वहां से वो किधर माइग्रेट करने लगेगा, जिधर कम होगा। अरे बोलो भैया, तो ये 2 साल बाद 3 साल बाद दिन में तो गर्म हो रहा है, रात में ठंडा हो रहा है ना जी। तो एक ऐसा एरिया उसके अंदर दिखने लगता है, कई बार थोड़ा अलग सा दिखता है, वो मिल्कीनेस जैसा अपीयर हो जाता है। क्या अपीयर हो जाता है? मिल्कीनेस जैसा। तो वो जो एरिया पे, इसका मतलब जहां पे मिल्कीनेस दिख रहा है वहां सम काइंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? यानी उतनी जगह पे परफेक्ट ऑर्डर आ चुकी है। एनिलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम एमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन में बदल सकते हैं और क्रिस्टलाइन को भी हम एमॉर्फस में बदल सकते हैं। ये कैसे सर? मान लीजिए आयरन तो आपने पढ़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है सर, तो हमने आयरन को क्रिस्टलाइन सॉलिड था, बहुत बढ़िया परफेक्ट, अच्छा जी, और उसको मैंने पिघला दिया, क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। अब व्यवस्था कैसी है? जैसे तैसे। लिक्विड में व्यवस्था कैसी होती है? रैंडम। अब अचानक से उसको मैंने सॉलिडिफाई कर दिया, रैपिड चिलिंग या फास्ट चिलिंग कर दिया, मतलब तेजी से कूलिंग कर दिया, मतलब बहुत फास्ट अंदर से हीट रिमूव कर दिया, यानी कि स्टैचू लगा दिया, है ना। तो यानी अगर रैंडम व्यवस्था थी तो जहां है वहीं क्या हो गया है? स्टैचू। तो वो भी बेचारा अब किस में चेंज हो गया? एमॉर्फस में। व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेल्टेड एंड अंडरगोज रैपिड चिलिंग इट विल कन्वर्ट इनटू एमॉर्फस सॉलिड। अभी लिखेंगे आराम से, पहले समझ लेते हैं। देखो थियोरेटिकल पॉइंट ना ना तो पढ़ना आसान होता है ना पढ़ाना आसान होता है, क्योंकि बच्चा थियोरेटिकली क्या करता है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रटने की कोशिश करता है। मैथ जहां आता है वहां तो ठीक है, मजा आता है, 2 × 2 बस मजा आ रहा है कि नहीं। तो थियोरेटिकल को भी अगर पिक्टोरिकल फॉर्म में आप समझेंगे ना, मतलब मैथमेटिकल वे में, तो मजा आ जाएगा, फिर रटना कुछ नहीं है। तो ये लाइन समझ में आया, क्रिस्टलाइन को एमॉर्फस में कैसे बदलेंगे? पिघला देंगे और सडन कूलिंग कर देंगे। अब आते हैं एमॉर्फस को, एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन, तो क्या करें एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन बनने के लिए? या तो आप पूरी तरह से उसे पिघला ही दो और स्लोली स्लोली कूलिंग करिए, धीरे धीरे हीट निकालिए, बोलो भैया, या मत पिघलाओ, स्लो स्लो हीटिंग करो, स्लो स्लो हीटिंग करो, ठीक है ना। तो क्या होगा, वह धीमे धीमे हीट करेंगे तो जहां ज्यादा पार्टिकल होगा वहां से किधर को चला जाएगा? कम की तरफ। तो एक 100% परफेक्ट क्रिस्टल तो देखो कोई भी नहीं होता है, बट ठीक है, काइंड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है मेरी बात? या दूसरा तरीका क्या है, आप उसको पिघला दीजिए और स्लोली स्लोली कूलिंग करिए और कोशिश करिए कि आप कूलिंग 0 केल्विन के आसपास कर रहे हैं। मैंने आसपास शब्द क्यों कह रहा हूं? क्या आप मार्केट से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीद के ला सकते हैं अभी 2 लाख रुपया देता हूं, जिस जो कि 0 केल्विन का टेम्परेचर अचीव करा दे? मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है, समझ। अरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो आसान है, 0 केल्विन बेटा, सर क्या बोल रहे हैं, 0 केल्विन −273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत टफ है, मतलब ये मुश्किल है। ये तो मैंने इसलिए बोला कि कोशिश करिए, हाइपोथेटिकल कंसर्न में 100% परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता है। हाँ लेकिन ठीक है, आइडियल गैस तो पढ़ते हैं ना 11th में, 100% तो आइडियल गैस होता नहीं, अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स आइडियली, अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स। हाँ तो खैर, एनिलिंग क्या होता है? ए प्रोसेस बाय विच क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इंटू एमॉर्फस सॉलिड एंड वाइस वर्सा। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब आता है क्वेश्चन दूसरा कि भैया क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस में कैसे चेंज करेंगे? कई सब 3 सवाल इसमें हो गया। एक तो डिफाइन करिए एनिलिंग क्या है, तो क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस या एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एनिलिंग, ठीक है ना।
अब आते हैं हाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इंटू एमॉर्फस सॉलिड। अच्छा मुझे क्वेश्चन ना सभी किताब के याद हैं, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं क्वेश्चन एकदम जेनरेट कर दूंगा। तो अब ये मत सोचना कि सर ने कोई सवाल छोड़ दिया होगा, मैं अपने आप ही क्वेश्चन वोश्चन सब मुझे याद ही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? बाई मेल्टिंग एंड रैपिड कूलिंग, है ना, बाई मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड रैपिड कूलिंग। इसका दूसरा सवाल अब देखेंगे, क्रिस्टलाइन से क्या करना चाहते थे एमॉर्फस में, क्रिस्टलाइन में व्यवस्था कैसी होती है रेगुलर, अब करना कैसा चाहते हैं जैसे तैसे, तो हमने पिघला दिया, पिघल गया तो लिक्विड फेज में आ गया, लिक्विड में व्यवस्था कैसी होती है जैसे तैसे, और मैंने अचानक से उसको ठंडा कर दिया तो जैसे तैसे का जैसे तैसे ही रह गया, तो यानी एमॉर्फस में चेंज हो गया, सुपर कूल्ड लिक्विड हो गया। ठीक है ना, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट वर्जन, कि आप एमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कैसे बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है, मतलब इसका आंसर खुद से लिखना है। एमॉर्फस वाले के लिए क्या लिखेंगे आंसर बेटा? बाय मेल्टिंग लिख सकते हो या हीट कर दीजिए एंड कूलिंग स्लोली। ठीक है, बाय हीटिंग एंड कूलिंग वेरी स्लोली, बाय हीटिंग एंड कूलिंग वेरी वेरी स्लोली। गर्म हुआ तो ठंडा नहीं करेंगे, हाँ तो धीरे धीरे करना, तो ये तो बोल रहा हूँ वेरी स्लोली। By heating and cooling very slowly, है ना, आपको समझ में आया तो पिघला दे एंड ठंडा करे धीरे धीरे, और ये प्रक्रिया कई बार करते, एक बार में काम नहीं चलता। हाँ जी, अरे एमॉर्फस था पहले से कैसा था रैंडम, एक बच्चे का सवाल आया है एकदम ठंडा करेंगे तो क्या होगा सर, हम के एमॉर्फस था जैसे तैसे था, पिघला दिया अब भी जैसे तैसे, और अचानक से कर दिया ठंडा, तो जैसे तैसे का जैसे तैसे रह गया ना भाई। ठीक है, देखिए जब आप जीरो केल्विन पे जब आप कूलिंग करेंगे तो सबसे स्लो कूलिंग कब होता है, जीरो केल्विन पे, लेकिन अचानक से था मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघला हुआ और सडनली कर दी जीरो केल्विन, तो इसको क्या बोलेंगे रैपिड चिलिंग, क्या बोलेंगे, हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर धीरे धीरे घटाते लाइए, धीरे 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 कम करिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि स्लो हो रहा है कूलिंग, क्या हो रहा है स्लो कूलिंग। फ्रीजर में क्या होता है, आजकल तो ऑटोमेटिक फ्रीजर भी आता है और मैनुअल भी आता है ना, समझ रहे हो क्या, तो उसमें डायरेक्ट आप रख देते हो सीधे, देखा सुबह तो आइसक्रीम बन गया, तो उसमें तो सेट किया हुआ रहता है पूरा टेम्परेचर, लेकिन अगर हम मैनुअली या ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा सिस्टम लगाए जिससे कि स्लो स्लो क्या हो कूलिंग हो। दूसरा तरीका होता है कि जैसे मान ली यहाँ पे लिक्विड है, इधर हमने आइस बाथ ले लिया है, क्या ले लिया है आइस बाथ, तो आइस बाथ का जो है हम धीरे धीरे टेम्परेचर इसका भी थोड़ा हम धीरे धीरे कम करते जाएं तो इसका भी कम होता जाएगा जो लिक्विड है। तो ये तो मतलब ऐसे नहीं कि ऑर्डिनरी घर पे ये काम कर सकते हैं, ये सब बहुत सोफिस्टिकेटेड और हाई लेवल के इंस्ट्रूमेंट के प्रयोग से ही हो सकता है, ऑर्डिनरी से नहीं हो सकता है। जैसे विंडो जो होते हैं ना पुराने, तो दिन में क्या होते हैं ग्लास वाले, वो गर्म होते हैं,
और रात में क्या होते हैं, ठंडा होते हैं। तो ये गर्म, बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है क्या, बहुत ज्यादा अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाती है क्या, या सुबह किरणें आती हैं उस पे फॉल करती है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे ना बढ़ रहा है जी। उस तरह से रात को भी ठंडी हवाएं अचानक से चलने लगती है क्या, धीरे धीरे हो रहा है। चलो किसी दिन बारिश हो गया, लेकिन मैं एक दिन की बात तो नहीं कह रहा हूँ, 100 दिन की बात कर रहा हूँ, 200 साल की बात कर रहा हूँ, 100-150 साल की बात कर रहा हूँ। तो सम काइंड ऑफ क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से ओल्ड विंडो पेन जो होते हैं ग्लास वाले, वो मिल्कीनेस अपीयर होते हैं, मिल्कनेस जैसा अपीयर होता है, क्योंकि वहां पे सम काइंड ऑफ क्या हो चुका है, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अच्छा तो ये लिख लोगे आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो बच्चों, एमोर्फस सॉलिड का जो है कहानी एक तरह से हो गया कंप्लीट। अब इस पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, ठीक उसी तरह से जैसे आपने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, तो पूरे चैप्टर में आइडियल गैस पढ़ रहे थे, लास्ट में थोड़ा सा रियल गैस पढ़ लिए थे, है कि नहीं? वैसे एमोर्फस सॉलिड तो हमारा कैसा सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है कि स्यूडो सॉलिड है? स्यूडो। तो एमोर्फस सॉलिड तो हमने पढ़ लिया, इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कितने तरह का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके बिहाफ पे हम इनका क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रॉडली चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार। पहला मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, जिसे हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो पहला हम लोग लेंगे मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड जो है फर्दर तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? एक होता है नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। यहां तक आ रहे समझ में? नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। क्या पहचान है मॉलिकुलर सॉलिड का, पहले थोड़ा सा यहां पे फोकस कर लेते हैं, फिर इन सबको देखेंगे। आप कैसे कहोगे कि NaCl जो है आयनिक सॉलिड है, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि NaCl आयनिक सॉलिड है? किसने कहा कि इसके अंदर आयंस है, कैसे पता चला? देखिए, जब इसको आप पिघलाइएगा ना, मेल्ट करिएगा, तो Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिलेगा। किसी ने अभी कहा, मैंने सुन लिया कि सर इसको पानी में डालते हैं ना तो Na प्लस आयन मिलता है और Cl माइनस आयन मिलता है। हम क्या, अच्छा तो पानी में तो हम HCl को भी डालेंगे तो H प्लस आयन मिलेगा और Cl माइनस आयन मिलेगा। बहुत ध्यान समझना है, कई बार लगता है कि मुझे ये बात आती है, लेकिन वो कई बार क्या होता है, गलत तरीके से आती है। तो कई जगह तो उसके वजह से आंसर सही आ जाता है, और कई बार जब हम वही कंसेप्ट लगाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है।
किसी ने कहा कि पानी में डाला तो Na प्लस मिला, Cl माइनस मिला, दैट्स वाई इट इज आयनिक। हम कि अच्छा फिर तो वही फंडा से HCl भी हो गया आयनिक। लेकिन HCl में तो H में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग कराते हो आप। बोलो बच्चों, बोलिए बोलिए। इसका मतलब सही पहचान क्या है कि सॉलिड में भी आयन अगर है तो उसको पिघलाने पर भी आयंस दिखना चाहिए। तो मेल्ट करने पर क्या दिखता है? आयंस। लेकिन HCl का अगर सॉलिड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा? तो डेल प्लस डेल माइनस, कौन कौन जानता है? पिछले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में। तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा दोस्तों? तो जब पिघलाए होंगे तो कौन सी बॉन्ड टूटी होगी? डाइपोल डाइपोल। लेकिन जब इसको मेल्ट किए होंगे कौन सी बॉन्ड टूटे होगी? आयनिक, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेल्ट करने पर जो बॉन्ड टूट जाए वही उसका है, उस सॉलिड का नाम है, वही उस सॉलिड का। अगर आयनिक बॉन्ड टूट रहा है तो आयनिक सॉलिड। और टूट के आयन भी तो बन रहा है, टूट करके आयन बन रहा है कि मॉलिक्यूल दिख रहा है? अरे ये टूट गया तो ये आयन है कि मॉलिक्यूल है पूरा? ये तो डाइपोल ना दिखाया है बेटा, है तो मॉलिक्यूल ना जी। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? ऐसे सॉलिड जिसको मेल्ट करने पे आपको मॉलिक्यूल मिलने चाहिए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। यानी वो मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में कैसे थे, उनके बीच कौन सा आकर्षण था? या तो डाइपोल डाइपोल होगा, या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होगा, या डिस्पर्शन फोर्स होगा, यस और नो? या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अगर आइस का नाम सुना क्या? जब आइस को मेल्ट करते हो, जब आइस को मेल्ट करते हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है? ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है कि कोवेलेंट? कोवेलेंट। हाइड्रोजन तो कमजोरी है ना, तो जब गर्म करेंगे तो कौन टूटेगा? ये। टूटने के बाद क्या मिला? मॉलिक्यूल। तो आइस भी क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अरे बोलो, लेकिन कौन सी बॉन्ड टूटी? तो इसे रखना चाहिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के इस कैटेगरी में, है ना? टाइम भी होने ही वाला है, हो ही गया लगभग। तो मैं क्या करूंगा, यहां से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्योंकि ये बीच में ही अटक जाएंगे, है ना? तो आज के लेक्चर यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।